इस मॉड्यूल में हम क्लास नीड्स में मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे अब दो तरह के एक्सट्रीट्री ऑर्गन्स हैं नीड्स में एक कॉक्सल प्लान्ट जिनके बारे में हमने पढ़ लिया दूसरे हैं मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स अब कॉक्सल प्लान्स जो हैं नॉर्मली मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स के मुकाबले में एनसेस्ट्रल कंसिडर किए जाते हैं जबकि ये भी कहा जाता है कि मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये कॉक्सल ग्लैंड से ही डिराइव्ड शुदा हिस्सा हैं मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स इसके अंदर ना सिर्फ एरेकनिट्स में हैं बल्कि हेक्सापोडा और दूसरे आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी पाई जाती हैं और एरेकनीट्स के अंदर मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स को हम उन सब एनिमल्स जिनके अंदर ये मौजूद हैं उसके कंपैटिबल कह सकते हैं मेलपैगियन ट्यूबुल्स अरइज़ करती हैं मिड गट से एरिक में जबकि हेक्सोपोर्स में ये हाइंड गट से अरइज़ कर मेलपैगियन ट्यूबुल्स का नाम जो है किस तरह से पड़ा सेवनटीन सेंचुरी में इटालियन साइंटिस्ट मार्सिलो मेलपैग आई ने इनको डिस्कवर किया उसी के बाद इनका नाम जो है मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स पड़ गया अब मेलपैगियन ट्यूब्युल्स जो है ये गट को कनेक्ट करती हैं मिड गट से और हाइंड गट्स एरिकिड्स के अंदर ट्यूब्यूल्स जो हैं दे नॉर्मली फॉर्म आ ब्रांच्ड मास दैट ऑफन टाइम्स कनेक्ट्स टू आ सर्टिकुलर पॉकेट्स और सैक्स जहां पर बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है प्रायर टू सिक्रीशन अब जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं एरिकड्स के अंदर वो हैं गुआनिन ऑल दो यूरिक एसिड और दूसरे कंपाउंड्स भी एक्सक्रीशन में एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट होंगे फिर गुआनिन लाइक यूरिक एसिड इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर और रिलेटिवली इट इज़ नॉन टॉक्सिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ अमोनिया एंड यूरिक एसिड इसको भी हम लिटल वाटर के साथ बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते दिस इज़ द फिगर शोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेलपैगियन ट्यूब्यूल्स या इस डाइग्राम में आप ये देखें यहाँ पे मेलपैगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट मिड गट को आप समझ लें दिस इज स्टमक एंड हाइंड गट जो है दिस इज रेक्टम इंटस्टाइन यहाँ पे ये ब्लाइंड सेक्स जो हैं दे आर प्रेजेंट नोन एज मेलपैगियन ट्यूब्यूल्स अब यहाँ पे इसको मेलपैगियन ट्यूब्यूल्स को एनलार्ज करके दिखाया गया है कि यहाँ पे जो भी बॉडी के अंदर ये दिस इज़ मिड गट और दिस इज़ एनस के यहाँ पे जो भी साल्ट वाटर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हैं जो या, इस पोर्शन पे मिड गट में जमा होंगे दे आर ऑल कलेक्टेड बाय द मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स एंड देन फिर फीसिस और यूरिन जो है दिस इज जो कि हाइंड कट में है दिस इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन अब यहाँ पर मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को आउटसाइड द बॉडी एलिमिनेट करेंगे और यहाँ पे जो है रिअबॉर्बेशन फर्दर है वाटर की आयंस की और वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स की तो मलपैगियन ट्यूब्यूल्स की इम्पोर्टेंस है एज एन एक्सक्रीटरी पार्ट टिल द टाइम दे आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी बॉडी के अंदर से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो एलिमिनेट नहीं होंगे और बॉडी के अंदर फ्लशिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स इन एरेकनिट्स